कल अर्थात 7 अगस्त 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे शुक्र, किंतु अपना जलवा दिखाने जा रहे हैं शनि महाराज। जी हां, शुक्र का बल लेकर शनि देव करने जा रहे हैं इन 5 राशि वाले जातकों को मालामाल, या फिर कहा जा सकता है कि इन 5 राशि वाले जातकों के शनि महाराज की कृपा से अब बनते हुए पाए जाएंगे बिगड़े काम। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने जा रहा हूं उन 5 महाभाग्यशाली राशियों के बारे में जिन राशि वाले जातकों को शुक्र देव का बल लेकर शनि महाराज करने जा रहे हैं मालामाल। कर्क राशि में शुक्रदेव का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा, सप्तम दृष्टि से शुक्र देव शनि को और शनि देव शुक्र को दृष्टि देंगे, और जब भी कोई ग्रह अपने गुरु के सानिध्य में आता है तो वो हो जाता है महाबली। और इसी स्थिति के चलते ये कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि जिन राशियों के लिए शुक्र महाराज एक अच्छे भाव की स्थिति को दर्शाते हैं उन्हें तो फल मिलेगा ही मिलेगा, किंतु शनि महाराज शुक्र का बल लेकर तुरंत रूप से बहुत ही महाबली अवस्था में 5 राशि वाले जातकों को पूर्ण रूप से देने जा रहे हैं अपना आशीर्वाद। आइए जानते हैं कौन सी है वह सर्वप्रथम महाभाग्यशाली राशि जिस राशि को शनि महाराज महाबली होकर देने जा रहे हैं अपना वरदान। तो मित्रों, वह राशि होगी मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के कर्म भाव के स्वामी होकर कर्म में ससा महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हैं, और जैसे ही कल अर्थात 7 अगस्त को शुक्रदेव कर्क राशि में प्रवेश कर सप्तम दृष्टि से शनि महाराज को देखेंगे, शनि की ताकत अतः स्थिति के अंदर बनती हुई पाई जाएगी। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को कर्म में श्रेष्ठ लाभ, व्यक्तित्व की स्थितियां बहुत श्रेष्ठ गत अवस्था में आपको लाभ दे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आप बहुत अच्छा लाभ ले लें, भौतिक सुखों की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छे स्वरूप में बनाते हुए पाए जाएंगे, आकस्मिक लाभ की कोई भी गतिविधि आपके सामने बनकर आए ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही पार्टनरशिप और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में शनि देव महाबली होकर आपको देने जा रहे हैं अद्भुत रूप से लाभ। दूसरी राशि जिस राशि के लिए शनि महाराज बहुत ही श्रेष्ठ रूप से भाग्य में देने जा रहे हैं आपको भरपूर लाभ, वह राशि होगी मित्रों वृष राशि। वृष राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज भाग्य स्थान और कर्म के स्वामी होते हैं, और शुक्र महाराज की सप्तम दृष्टि से महाबली होकर अब आपको अनुभूति कराएंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जी हां, शनि महाराज जहां आप हाथ डालेंगे वहां से सफलता का योग आपके लिए बनकर आए, इस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। तृतीय दृष्टि से आपकी मनोरथों को पूर्ण करेंगे, आय के स्रोतों में वृद्धि करेंगे, मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट की स्थितियां और कंपटीशन में आपको बहुत ही श्रेष्ठ गत अवस्था में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद देने जा रहे हैं। पूर्ण रूप से महाबली होकर आपको भाग्य का साथ अवश्य रूप से देते हुए पाए जाएंगे। तीसरी राशि जिस राशि के लिए शनि महाराज महाबली होकर अद्भुत रूप से देने जा रहे हैं लाभ, वह राशि होगी मित्रों कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज आपके पंचम के स्वामी होते हैं और पंचम भाव में महाबली होने जा रहे हैं। अद्भुत रूप से किसी भी प्रकार का ऐसा कोई योग जो अकस्मात आपको धन दे, अकस्मात आपके वो कार्य पूर्ण कर दे जो आपने भी ना सोचे हो, इस प्रकार की स्थिति का योग आपके लिए निर्मित करेंगे। विद्यार्थियों के लिए विद्या में सफलता का योग बनाएंगे, दैनिक रोजगार में वृद्धि, आय में वृद्धि, मनोरथों को पूर्ण करना और धन से संबंधित स्थितियों में अचानक कोई ऐसी स्थिति बनकर आए जो आपके रुके हुए कार्यों को पूर्ण कर दे, इसी प्रकार का शुक्र देव का बल लेकर शनि महाराज देने जा रहे हैं आपको आशीर्वाद। तीसरी राशि जिस राशि माफ कीजिएगा चौथी राशि जिस राशि के लिए अद्भुत रूप से शनि महाराज ससा महापुरुष राजयोग लगाकर तो पहले ही बैठे हैं, किंतु शुक्र का बल लेकर भौतिक सुखों में बहुत तीव्रता से 10 गुना करने जा रहे हैं आपके लिए वृद्धि, वह राशि होगी मित्रों तुला राशि। जी हां, तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में ही बने हुए हैं और शुक्र महाराज का बल लेने जा रहे हैं।
अद्भुत रूप से भौतिक सुखों से संबंधित कोई भी कार्य रुके हुए हैं वो पूर्ण होंगे। कोई भूमि भवन वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता का योग बना कर देंगे। कंपटीशन में आपको सफल बनाएंगे, शत्रुओं पर आपकी विजय कराएंगे। कर्म क्षेत्र में आपको निरंतर वृद्धि देंगे और आपके व्यक्तित्व की स्थिति को ज्ञान स्वरूपी योग में निखारने जा रहे हैं शनि महाराज। और अंतिम राशि, जिस राशि के लिए शनि देव शुक्र देव का बल लेकर करने जा रहे हैं तो 12-25, वह राशि होगी मित्रों शनि महाराज की स्वयं की ही राशि मकर राशि। जी हाँ, मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज लग्न का स्वामी होते हैं, लग्न में ही स्थित हैं और सप्तम भाव में से शुक्रदेव जब शनि महाराज को दृष्टि देंगे तो शनि देव महाबली की स्थिति को प्राप्त करने जा रहे हैं और मकर राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तित्व की स्थितियों में श्रेष्ठ लाभ देंगे। आपके डिसीजन मेकिंग पावर काबिले तारीफ होंगे, मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट की स्थितियां आपके पक्ष में लाएंगे। धन से संबंधित रुके हुए कार्य आपके पूर्ण करने जा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन मधुर संबंधों में परिवर्तित होगा। पार्टनरशिप और साथ में ही दैनिक रोजगार में वृद्धि। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में पदोन्नति का योग। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में श्रेष्ठ कारक स्थिति। और यदि आप मकर राशि के एक जातक हैं और वर्तमान समय में आपके पास जॉब नहीं है तो निश्चित रूप से शुक्र का बल लेकर देने जा रहे हैं आपको नई जॉब का श्रेष्ठ आशीर्वाद। तो ये हैं वो 5 महाभाग्यशाली राशियां जिन राशि वाले जातकों को शुक्र का बल लेकर शनि महाराज करने जा रहे हैं माला माल। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।